हेलो माय डियर यंग यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स हाउ आर यू मेरे नन्हे दोस्तों कैसे हो स्कूल खुल गए गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई गर्मी बहुत है स्कूल जाके पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ओके नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन ना थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इज हेयर रेनू इज हेयर और आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स इंग्लिश हनी सकल लेसन नंबर टू के टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें आप एन सी आर टी भी कहते हैं और उसके साथ में जो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज हैं वो भी मैंने उसके साथ में ऐड कर दी हैं अलग से इसका वीडियो नहीं बनाया जिससे कि आपको एक्सरसाइज भी मिल जाए और आप फिल

डॉग अपनी अकेली ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गया था ही वांडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड वह इधर उधर भोजन की तलाश में भटकता ही डिड नॉट फील सेफ वह सुरक्षित महसूस नहीं करता सो ही फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर इसीलिए उसे एक मालिक की ज़रूरत पड़ी नंबर टू हु डिड ही फर्स्ट चूज एज इज़ मास्टर उसने सबसे पहले किसे अपना मालिक चुना वाई डिड ही लीव दैट मास्टर और उसने उस मालिक को क्यों छोड़ा ही फर्स्ट चूज़ वॉल्फ एज इज मास्टर और उसने सबसे पहले चूज़ सेकेंड फॉर्म है वो अब चूज़ की और उसने वॉल्फ को अपना मालिक चुना बट ही फाउंड द वॉल वॉज अ फ्रेड ऑफ़ द बेयर लेकिन उसने पाया कि जो भेड़िया था वो बियर से भालू से डरता था सो ही लेफ्ट दैट मास्टर इसलिए उसने इस मालिक को छोड़ा नंबर थ्री हु डिड ही चूज नेक्स्ट किसने उस उसने अगली बार अगले उसमें किसको चुना द डॉग चूज अ बेयर नेक्स्ट एज हिज मास्टर और डॉग ने भालू को अपना मालिक चुना बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन वॉल्फ क्योंकि वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था नंबर फोर why डिड ही सर्व द lion फॉर अ लॉन्ग टाइम उसने लॉइन की बहुत लंबे समय तक सेवा क्यों की ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम उसने लॉइन की बहुत लंबे समय तक सेवा की, because it was a good life, क्योंकि बिकॉज़ इट वाज अ गुड लाइफ क्योंकि लॉयन के साथ उसकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ और कुछ भी शिकायत करने जैसा नहीं था ही वाज सेफ इन द कंपनी ऑफ लॉयन और लॉयन की संगति में लॉयन के साथ वह सुरक्षित था नो वन डेयर्ड टू ऑफेंड हिम डेयर्ड का मीनिंग साहस करना ऑफेंड का मीनिंग होता है दुखी करना नाखुश करना किसी में साहस नहीं था कि वह डॉग को दुखी ही करते नंबर फाइव हु डिड ही रियली चूज एज इज मास्टर उसने वाकई किसको अपना मालिक चुना एंड वाई द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज इज मास्टर और डॉग uh, ने फाइनली आदमी को अपना मालिक क्यों चुना इवन द लॉइन हु वॉज द स्ट्रांगेस्ट बीस अफ्रेड ऑफ मैन और शेर जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर था वह भी मनुष्य से डरता था सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट द मैन वॉज द स्ट्रांगेस्ट क्रिएटर ऑन अर्थ और इसीलिए डॉग को कन्विंस्ड का मीनिंग विश्वास हो गया कि आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव इस धरती पर है ना नंबर बी बी पार्ट है अ समरी ऑफ़ द स्टोरी इज गिवन बिलो अगर आपको समरी एग्जाम में आती तो बेटा आप इसे एज इट इज लर्न कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीटेड, इट इसको फिलअप करने हैं बॉक्स में वैसे तो दिए हुए हैं वर्ड्स लेकिन मैंने यहाँ बॉक्स नहीं लिया डायरेक्टली आपको आंसर नीचे कलेक्टिवली दे दिए दिस इज द स्टोरी ऑफ आ डॉग हु टू बी हिज ओन मास्टर ए ये कहानी है एक डॉग की जो कि खुद अपना मालिक बनता था ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर और उसने कोशिश की कि वह एक ऐसा मालिक चुने स्ट्रॉगर दैन एनी एनी वन एनी वन एल्स जो कि किसी और से ज़्यादा ताकतवर हो बट द फस्ट ही फाउंड अ वोल्फ सबसे पहले उसे कौन मिला भेड़िया बट द वॉल वॉज अफ्रेड ऑफ़ वॉल्फ किस से डरता था बेयर से द डॉग थाट दैट द बेयर वॉज और डॉग ने क्या सोचा कि जो बेयर है वो स्ट्रोंगर दैट द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ़ ऑल कि बेयर सबसे ज़्यादा ताकतवर है आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट और कुछ दिनों के बाद डॉग किससे मिला आप uh, लॉय से लॉय से मिलने के बाद क्या हुआ दैट लॉइन फॉर ही स्टेड विद द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉइन के साथ वह लंबे समय तक रहा वन डे ही रियलाइज दैट द लॉइन वॉज अ फ्रेड ऑफ मैन और एक दिन उसने महसूस किया कि जो लॉइन है वह आदमी से डरता है ना वर्किंग विद द लैंग्वेज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सबल वर्ड आपको फ्रेजेस को कम्प्लीट करना है एक्चुअली ये बहुत ही वैल्यूएबल है इसमें आ डैश ऑफ शिप्स यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं और जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग जो इकट्ठे होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं लेकिन जहाज़ों के ग्रुप को समूह को ग्रुप नहीं कहते ए डैश ऑफ फ्लीट्स जहाज़ों के झुंड को फ्लीट कहते हैं ए डैश ऑफ फ्लावर्स फूलों के झुंड को बंच कहते हैं ए डैश ऑफ चिक्स मुर्गी के छोटे छोटे चूजों को बच्चों को ब्रूड कहते हैं ए डैश ऑफ कैटल मवेशिया जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं ए डैश ऑफ स्टिक्स छड़ियों के समूह को बंडल कहते हैं ए डैश ऑफ शीप शीप या क्या होती है ये बेटा शिप नहीं है शिप होता है भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं ए डैश ऑफ फिश मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं ए डैश ऑफ वॉल्स और भेड़ियों के झुंड को पैक कहते हैं नाउ मेक नाउंस बाय एडिंग नेस और आईटीवाई वाई इसमें आईटीवाई वाई और नेस के अलावा भी हमने बहुत कुछ जोड़ा है और तो आप देख सकते हैं जैसे ऑनेस्ट है अगर हम इसमें वाई जोड़ देंगे तो नेस और आईटीवाई वाई के अलावा भी वाई भी जोड़ा है हमने अकेला तो हम इसे नाउन बना सकते हैं ओके okay? ऑनेस्ट honest से ऑनेस्टी काइंड kind से काइंडनेस क्रूल cruel से क्रूआलिटी काम calm से कामनेस सैड sad से सैडनेस एक्टिव से एक्टिविटी थोड़ी स्पेलिंग में चेंज आ जाएगा क्रिएटिव से क्रिएटिविटी ऐसी ही स्पेलिंग में चेंज आ गया इसमें भी सिंसियर Sincer से सिंसियरिटी चेयरफुल cheerful से चेयरफुलनेस बिटर bitter से बिटरनेस सेंसिटिव से सेंसटिविटी और ग्रेट great से ग्रेटनेस ओके नाओ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिस इज़ माय न्यू चैनल और मेरे चैनल को एनकरेज करने के लिए आ, कमेंट ज़रूर कीजिए लाइक like का बटन दबा दीजिए और अगर डिसलाइक का दबाना है डिसलाइक भी दबा सकते हैं आप लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय